नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने फोन पे से अपना बैंक अकाउंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, आप अपने फोन में फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते होंगे किसी को पैसे पे करने के लिए, फोन पे से पैसे लेने के लिए, किसी को अकाउंट में भेजने के लिए काफी सारे जरिया होते हैं। जैसे कि वैलेट में आप पैसे रखते हैं, फोन पे में उसके जरिए भी आप किसी को पे कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू होता है, जैसे फोन पे में एक फीचर मिलता है जिसमें कि आप काफी सारे अकाउंट को ऐड करके रखते हैं, आप जितना मर्जी उतना अकाउंट बैंक अकाउंट को ऐड करके रखते हैं, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि किसी बैंक अकाउंट को रिमूव करना, आप नहीं चाहते हैं कि उस अकाउंट का पैसा को मैं यूज कर सकूं। अगर फोन पे में ऐड रहता है अकाउंट ना, तो पे कर ही देते हैं कहीं ना कहीं। तो उससे बचने के लिए, या फिर ऐसा भी होता है ऑटो पे अगर आपके फोन में एनेबल है, तो वो अगर बैंक अकाउंट आपके फोन में अटैच है, फोन पे में अगर ऐड है, तो ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। लेकिन आप उस सबसे बच सकते हैं और अपने अकाउंट का पैसा को बचा सकते हैं, और आप अपने फोन पे से अपने बैंक अकाउंट को, आप चाहे जिस अकाउंट को ऐड करके रखना उसे रखिए, बाकी को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूं। और सबसे अच्छी बात कि इसी वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप चाहे तो किसी फोन पे अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हैं, मतलब कि अपना बैंक अकाउंट रिमूव भी करना सीख जाएंगे और ऐड भी करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव और फुल वीडियो आते रहता है। तो पता नहीं मैं इस चैनल पे कौन सी वीडियो कब बना दूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। गाइस, तो फाइनली अपने फोन में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। यहां पे देख सकते हैं मेरे फोन में फोन पे एप्लीकेशन फाइनली ओपन हो चुका है, और अब मैं अपने फोन पे को यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अगर अपने फोन में जो भी बैंक अकाउंट ऐड है उसे रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल का आइकन पे क्लिक करना है। और प्रोफाइल का आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे लॉग आउट कर देंगे तो अपने फोन से ये लॉग आउट हो जाएगा, बस फोन पे अकाउंट लॉग आउट होता है। पेमेंट मेथड में यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, फोन पे वैलेट, इसके अलावा यहाँ पे यूपीआई लाइव, यही सब काफी सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है बैंक अकाउंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है, और अब यहाँ पे आपके फोन में जितने भी बैंक अकाउंट ऐड होंगे ना, वो सारे के सारे अकाउंट शो कर जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे फोन में फोन पे एप्लीकेशन में दो बैंक अकाउंट ऐड है, पहला बैंक ऑफ बड़ौदा का और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट मेरा प्राइमरी है। अगर अभी मेरे फोन पे में कोई पैसा डालता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगा, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ किसी को पैसा पे करने टाइम, मैं जिस अकाउंट से चाहता हूँ उससे अकाउंट से पे कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे फोन में अभी पैसा डालेगा तो आएगा सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसे रिमूव कैसे करना है, उससे पहले यहाँ पे अकाउंट कैसे और भी अकाउंट कैसे ऐड करना है। हो सकता है आपके फोन में कोई एक ही अकाउंट अभी ऐड शो कर रहा हो यहाँ पे, तो आपके अकाउंट जितने भी ऐड होंगे ना उतना सारा यहाँ पे शो करेगा। अगर आप चाहते हैं किसी और बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो जिस नंबर से आपका फोन पे अकाउंट बना हुआ है उसी नंबर से लिंक होना चाहिए अकाउंट में। देख सकते हैं यहाँ पे जो कि मेरा ये 8252 जो भी नंबर है, ये इस नंबर से जितने अकाउंट मेरे हैं वो सारे अकाउंट को मैं अपने फोन पे में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये आपको पता नहीं है ना कि आपका कौन कौन सा अकाउंट में कौन सा नंबर ऐड है, तो वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे। जैसे कि आपका जो भी अकाउंट है, सपोज पंजाब नेशनल बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई पंजाब नेशनल बैंक का ऐड करना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है, इसके बाद मेरे फोन में ये मेरा अकाउंट ही नहीं है भाई, इस नंबर से अकाउंट ही नहीं है लिंक पंजाब नेशनल बैंक में, तो इसलिए ये ऐड नहीं हुआ। लेकिन वही अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कर लें तो इससे तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट ऐड है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगा, लेकिन फाइंड कर लेगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक्ड है ना। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पे बात करें कि रिमूव कैसे करना है ऐड करने के बाद, तो सिंपल है, बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं ऐसे चाहता हूँ इस बैंक अकाउंट को मैं रिमूव करना, क्लिक करूंगा, इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे काफी सारे मिल जाते हैं, यहाँ पे सेट एज प्राइमरी, इसको भी बना सकते हैं। लेकिन रिमूव करने के लिए, अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है अनलिंक बैंक अकाउंट, और डिलीट का आइकन भी दिख रहा है। बस सिंपल है, इस पे क्लिक कर देना है और अनलिंक जो है इस पे क्लिक कर देना है। ये अनलिंक पे क्लिक कर देंगे आपके अकाउंट से, ये जो अकाउंट है आपके बैंक अकाउंट जो है ये फोन पे अकाउंट से रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो थोड़ी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।